विलेज रॉकस्टार्स को ऑस्कर 2019 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। वहीं सलमान खान के सामने ऑस्कर की बात आते ही उनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प था। इतना ही नहीं, सलमान को तो इस बात की खबर भी नहीं है कि इस बार भारत की ओर से कौन सी फिल्म ऑस्कर भेजी गई है। लव यात्री से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान से जब ऑस्कर में भेजी गई फिल्म विलेज रॉकस्टार्स पर सवाल पूछा गया, तब सलमान का जवाब सुनकर सभी हंस पड़े। पहले तो सवाल सुनकर सलमान समझ ही नहीं पाए कि इस तरह की भी कोई बात है, और जब सलमान को पूरी बात समझाई गई तो सलमान ने कहा, अपना क्या लेना देना ऑस्कर से। इसके अलावा जब सलमान खान को बताया गया कि रीमा दास की ये फिल्म महज 25 लाख में बनी है, तो सुपरस्टार ने कहा, उन्हें बोलो मुझसे आकर मिले, मैं उनके साथ फिल्म बनाऊंगा, मेरी तो लाइफ सेट है फिर। वैसे सलमान के इन बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो रीमा दास की निर्देशित फिल्म रॉकस्टार्स का मजाक बना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित मासूरकर निर्देशित और राजकुमार राव की हिंदी फिल्म न्यूटन पिछले साल ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजी गई थी, लेकिन ये फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई थी और अब विलेज रॉकस्टार्स से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और ऐसी ही बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।